केस से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त ये आ रही है कि शिजान की पुलिस रिमांड को बढ़ा दिया गया है। तुनिशा सुसाइड केस से जुड़ी बड़ी अपडेट, इस वक्त शिजान की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है और 30 दिसंबर तक पुलिस रिमांड में अब रहेगा शिजान। 4 दिन की पुलिस रिमांड में पहले भेजा गया था, जैसे ही टुनिशा का सुसाइड का मामला सामने आया, पता चला कि टुनिशा के फॉर्मर एक्स बॉयफ्रेंड थे शिजान, और उसके बाद पुलिस ने उन्हें 4 दिन की रिमांड में रखा। लेकिन इस वक्त अश्विन पांडे मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अश्विन, इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, 2 दिन और पुलिस रिमांड मिल गई है शिजान की? किस तारीख तक शिजान की रिमांड मिली है? 2 महत्वपूर्ण बातें शिजान के रिमांड को मांगने के लिए पुलिस ने जो बताई है वो ये कि जिस दिन तुनिशा ने आत्महत्या की, उस दिन जो सीक्रेट गर्लफ्रेंड की जानकारी पुलिस को मिली है, उससे शिजान ने करीब 1.5 घंटे बातचीत की व्हाट्सएप पे, और फोन पे व्हाट्सएप चैट शिजान ने डिलीट कर दी। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और उसी को रिट्रीव करने के लिए समय मांगा है पुलिस ने, और यही वजह रही कि रिमांड जो है 30 तारीख तक दी गई है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात रही वो ये कि जो हम लगातार कह रहे हैं कि आखिरकार वो 15 मिनट क्या कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से तुनिशा जो 15 दिनों पहले ही जिसका ब्रेकअप हो चुका था, 15 दिनों के बाद 15 मिनट की बातचीत के बाद क्यों सुसाइड किया? तो इन दोनों के बीच पुलिस ने पहली बार रिकॉर्ड पर जाके कोर्ट में बताया कि इन दोनों के बीच आत्महत्या से पहले लंबी बातचीत हुई है, जो लंच का समय था, और उसी दौरान इन दोनों के बीच क्या कुछ बातचीत हुई है उसके बारे में पुलिस शिजान से जानना चाह रही, लेकिन शिजान उस पर खुलकर कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। शिजान, लेकिन अश्विन एक बात बताइए, क्या पुलिस की तरफ से कितने दिन के रिमांड के लिए आज अपील दी गई थी? क्या वो पूरे दिन मिले हैं या कोर्ट ने सिर्फ 2 दिन ही बढ़ाई है रिमांड? पुलिस ने जितने दिन की रिमांड मांगी थी उतने दिन की कोर्ट दे दी है। 30 तारीख तक अब शिजान को जो है रिमांड में पुलिस रखेगी। इस दौरान व्हाट्सएप चैट जो रिट्रीव करना है वो महत्वपूर्ण जो है कड़ी है, क्योंकि जो सीक्रेट गर्लफ्रेंड की हम लगातार बातचीत कर रहे थे वो महिला से 1.5 घंटे तक क्या कुछ बातचीत शिजान ने की, क्यों उसने व्हाट्सएप चैट डिलीट किया, क्या ये व्हाट्सएप चैट आत्महत्या के बाद डिलीट किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वो शिजान की दूसरी गर्लफ्रेंड है उसका क्या इसमें कोई लिंक है, जो ये चैट डिलीट किया गया, ये तमाम जो है जांच का विषय है। और यही वजह है कि कोर्ट में इन दो मुद्दों को जो वकील है उन्होंने गंभीरता से रखा, और इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने 30 तारीख तक रिमांड दे दी है, और 30 तारीख तक इस रिमांड में जो कुछ भी चैट से जुड़ी जानकारी है वो पुलिस निकालेगी और आगे की जो एक्शन है वो तय होगी। जी, तो 2 अहम चीजें सामने आ रही हैं आज, जो भी कोर्ट में दलीलें पेश की गई, पुलिस ने ये कोर्ट के सामने दलील पेश की कि एक तो व्हाट्सएप चैट जो शिजान ने डिलीट कर दी है अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड के साथ, जिसके साथ उसने करीब 1.5 घंटा बात की, उसे रिट्रीव करना बाकी है, और दूसरा वो जो 15 मिनट की गुत्थी है कि लंच से लेकर 15 मिनट बाद तक ऐसा क्या हुआ कि टुनिशा ने आत्महत्या कर ली अपने सेट के ही मेकअप रूम में, वो गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। अश्विन, इस वक्त जो कार्रवाई चल रही है उसके बारे में जो ताजा अपडेट है आपके पास वो बता दीजिए। अब 2 दिन तक पुलिस पूछताछ करेगी, क्या कुछ ऐसा भी है कि सेट पर भी ले जाया जाए या कुछ और लोगों को भी जांच में शामिल होने के लिए कहा जाए? जी बिल्कुल, देखिए जो तुनिशा के मामा थे वो भी उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे, वो कोर्ट रूम में आए थे और वो तमाम जो प्रोसीडिंग चल रही थी वो मौजूद थे। इसके अलावा तुनिशा की माँ से बयान लिया जाएगा, क्योंकि जो शुरुआती FIR के समय जो तुनिशा की माँ ने बयान दिया था उस बयान के अतिरिक्त पूरी डिटेल में इस पूरे मामले को लेकर उनका बयान दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि तुनिशा की माँ ने आरोप लगाया था कि शिजान की और भी कई महिला मित्र रही है जिससे उसका संबंध रहा है, इसके बावजूद भी उनकी बेटी को उसने इतने दिनों तक एंगेज रखा, उनकी बेटी को शादी का झांसा देता रहा, और अब उसी आधार पर जब जांच शुरू की गई पुलिस द्वारा तो उस सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में पता चला। जब शिजान का व्हाट्सएप चेक किया गया तो एक एक्ट्रेस है जिससे लगातार शिजान बातचीत कर रहा था, करीब 1.5 घंटे तक बातचीत उसकी हुई है आत्महत्या वाले दिन, तो वो जो महिला है उससे भी जल्द ही पुलिस उसे समन करेगी, उसे पूछताछ के लिए बुलाएगी कि आखिरकार उस दिन ऐसी क्या कुछ बातचीत हुई जिसकी वजह से जब आखिरी 15 मिनट लंच के समय तुनिशा और शिजान के बीच बातचीत हो रही थी उस दौरान शिजान ने क्या कुछ कहा, क्या शिजान ने उस महिला से भी तुनिशा की बातचीत कराई, ये तमाम एंगल फिलहाल पुलिस जांच के लिए रिमांड की मांग कर रही थी और इसी पर पुलिस को रिमांड मिली है।
और यही जो तमाम एंगल है फिलहाल उस पर जांच जो है की जाएगी पुलिस द्वारा। जी अश्विन, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त जो ताजा जानकारी आप साझा कर रहे हैं उसे समराइज करके दर्शकों तक पहुंचा देते हैं कि आज बस कुछ देर पहले पुलिस ने कोर्ट ने 2 दिन और रिमांड बढ़ा दी है शिजान की, टुनिशा का एक्स बॉयफ्रेंड। और ये बात जो सामने आई है, पुलिस ने जो दलीलें पेश की कोर्ट में, उसमें एक तथ्य सामने आया है कि जो शिजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड है उसके साथ करीब 1.5 घंटे तक बात की शिजान ने। क्या था उस बातचीत में ऐसा कि इतनी लंबी बातचीत हुई, और उसके साथ अपनी व्हाट्सएप चैट को शिजान ने क्या टुनिशा के सुसाइड से पहले डिलीट किया या उसके बाद डिलीट किया, डिलीट करने का क्या कारण रहा, इन तमाम चीजों के बारे में पुलिस इस वक्त जानकारी चाहती है। इसी के चलते कोर्ट में दलील पेश की गई थी कि उसकी पुलिस रिमांड बढ़ा दी जाए 2 दिन के लिए। कोर्ट ने शिजान की पुलिस रिमांड बढ़ा दी है, अब 30 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में रहेगा शिजान। और इसके साथ ही एक और तथ्य जो सामने आ रहा है वो ये है कि वो जो 15 मिनट की गुत्थी है कि ऐसा क्या हुआ था दोनों के बीच उस लंच के दौरान, जिसके बाद 15 मिनट के अंदर अंदर टुनिशा मेकअप रूम में जाती है और वो अपनी जान ले लेती है। इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे क्या कोई झड़प हुई, कुछ कहा सुनी हुई, कुछ ऐसी बात टुनिशा ने क्या शिजान को कही कि वो हर्ट है उनके ब्रेकअप के बाद, क्योंकि तब तक लगभग 15 दिन हो चुके थे दोनों के ब्रेकअप के बाद। इसके अलावा अश्विन, इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है, शिजान को ले जाया गया है वापस, लेकिन साथ ही एक और अपडेट ये आ रही है कि तुनिशा की माँ विनीता शर्मा ने भी कुछ बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ब्रेकअप के बाद उनकी बेटी यानी तुनिशा काफी दुखी थी और उसे 16 दिसंबर को पैनिक अटैक भी आया था। तो 16 दिसंबर को ब्रेकअप के बाद पैनिक अटैक की भी शिकायत अब सामने आ रही है। पैनिक अटैक आया था टुनिशा को, उनकी जो मदर है विनीता शर्मा, उनका ये बयान सामने आया है कि ब्रेकअप से काफ़ी ज़्यादा हर्ट थी टुनिशा और इसी के चलते पहले उसे पैनिक अटैक आया, तो उसके मन में कुछ ऐसे विचार भी होंगे कि वो अपनी जान ले ले ब्रेकअप के चलते। और ये भी हो सकता है कि जो ट्रिगर होता है डिप्रेशन का या पैनिक का, वो कहीं ना कहीं ये ब्रेकअप रहा हो। ब्रेकअप के बाद दुखी जरूर थी टुनिशा, ये उनकी मदर ने बयान दिया है, विनीता शर्मा का ये कहना है। जी मीडिया संवाददाता अश्विन पांडे लगातार हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं, इनफैक्ट वो अब हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अश्विन, ये जो बयान आया है टुनिशा की मदर का, विनीता शर्मा कह रही है कि काफी ज्यादा दुखी थी उनकी बेटी ब्रेकअप के बाद, 16 दिसंबर को एक पैनिक अटैक की भी बात कही है उन्होंने अपने लेटेस्ट स्टेटमेंट में। जी बिल्कुल, देखिए ये स्टेटमेंट वो है जब FIR दर्ज की गई थी और जल्द ही पुलिस उनकी मां का पूरा एक विस्तार में स्टेटमेंट दर्ज करेगी। अभी तक की जो स्टेटमेंट में वो बताया गया है कि 16 तारीख को एक पैनिक अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल लोटस अस्पताल लेकर जाया गया था, जहां पर मौजूद डॉक्टर राहुल ने ये कहा था कि विनीता से कि अपनी बेटी का वो पूरी तरह से ख्याल रखे क्योंकि उनकी स्थिति नाजुक है। इस वक्त मैं कोर्ट के बाहर हूं, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, कोर्ट के बाहर किसी भी वक्त शिजान को बाहर लाया जा सकता है। 30 तारीख तक की रिमांड दी गई है। यहाँ पर कोर्ट रूम में मौजूद जो वकील हैं, इनसे हम बातचीत करिए। ये बताइए सर कि आप अंदर थे, क्या हाव भाव था उस वक्त शिजान का, किस तरह की स्थिति थी? वहाँ की स्थिति बहुत, वो अपराधी जो है बहुत भयावह था, वो बहुत परेशान दिखता था। और अभी देखिए, अभी अंदर से खुलकर नहीं कुछ आ रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। चलिए देखिए, ये कोर्ट रूम में मौजूद वकील थे, हालांकि बहुत ज्यादा लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। हम जो है जी न्यूज़ की टीम वहां मौजूद थी और लगातार हम अंदर से जो कुछ भी बातें आ रही थी वो रिपोर्ट कर रहे थे। आपको बता दें कि कोर्ट में रिमांड के दौरान पुलिस ने 2 बातों पर बहुत ज्यादा जोर दिया, वो ये था कि 1.5 घंटे तक आखिर क्या कुछ बातचीत हुई थी शिजान की उस दूसरी महिला मित्र से, जिसको लेकर लगातार तुलसा परेशान। तस्वीरें आती हैं, ताजा लौटूंगी आपके पास। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।